हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी में। रोज़ की तरह आज भी लेकर आए हैं जी के एंड करंट अफेयर। आज की जी के एंड करंट अफेयर के जो ज़्यादा क्वेश्चन है जो कवर अप करेंगे, जैसे कि कमेंट किया गया था कि ज़्यादा क्वेश्चन है जो वीडियो में लेकर आए जाएं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। जी करंट अफेयर आज की डेट की हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस राज्य में 36वां राष्ट्रीय खेल आयोजित किया जाएगा? वो राज्य है गोवा। नेक्स्ट है, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2018 किस शहर में आयोजित किया गया? जो इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है 2018 का, वो शहर है लखनऊ। लखनऊ में आयोजित किया गया है साइंस फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब की मदद से बलूचिस्तान में गवादर में कौन सा, जो बलूचिस्तान का गवादर है उसमें कौन सा तेल रिफाइनरी है जो स्थापित करने जा रहा है? वो देश का नाम है पाकिस्तान। नेक्स्ट है, आईसीआईसीआई के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वो किया गया है संदीप बख्शी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग HOP TAC भारत और किस देश के बीच संयुक्त तटवर्ती अभ्यास है? एक तो भारत है, दूसरा देश बताना है, वो दूसरा देश है वियतनाम। भारत और वियतनाम जो देश है उसके बीच संयुक्त तटवर्ती अभ्यास है, जिसका नाम सहयोग HOP TAC है, भारत और वियतनाम के बीचकार। नवीकरणीय ऊर्जा विषय पर IORA ऊर्जा मंत्रालय बैठक 2018 किस भारतीय शहर में आयोजित की गई है? ये भारतीय शहर है नई दिल्ली में। ज़्यादातर इसी शहर में है जो बैठकें की जाती है, नई दिल्ली में। कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है, यानी कि IORA का हिस्सा नहीं है? वो देश है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है? ये दिया गया है डेनिस मुकवेगे और नादिया मुराद को, दो व्यक्ति हैं जी, इन्होंने जो नोबेल शांति पुरस्कार 2018 का दिया गया है, डेनिस मुकवेगे और नादिया मुराद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिगस बोसान कण को दी गॉड पार्टिकल का नाम देने वाले किस नोबेल पुरस्कार विजेता का 96 वर्ष में निधन हो गया? उनका नाम है लियोन लीडरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति ली म्यूंग बाक को भ्रष्टाचार का दोषी ठहराते हुए कितने साल जेल की सजा सुनाई है? जी आज के न्यूज़पेपर में भी आया है, उन्हें 15 साल की है जो सजा सुनाई है भ्रष्टाचार के मामले में। पूर्व राष्ट्रपति थे दक्षिण कोरिया के, जिनका नाम ली म्यूंग बाक था। 5 अक्टूबर 2018 को भारत का पहला मेथनाल पाक कला ईंधन कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया? ये किया गया है असम के नाम रूप में। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है, 5 अक्टूबर 2018 को लॉन्च किए गए भारत के कौशल गैप को खत्म करने के लिए टास्क फोर्स की सह अध्यक्षता धर्मेंद्र प्रधान के साथ कौन करेगा? वो करेंगे सलील पारेख, उनका नाम है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारत ने 5 अक्टूबर 2018 को एशियाई विकास बैंक के साथ 110 मिलियन डॉलर के स्थिरण समझौते पर हस्ताक्षर किए? वो किए हैं मध्य प्रदेश राज्य ने। चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति व्यक्तित्व के मुताबिक 2018 और 19 के लिए जीडीपी विकास प्रक्षेपण क्या है? वह 7.4% या प्रतिशत। 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर नहीं है, ओनली अक्टूबर है। अक्टूबर 2018 में किस किस्म के आम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? वो है महाराष्ट्र का अल्फांसो आम। आम की है जो अलग अलग किस्में होती है, ये अल्फांसो भी एक उनमें से एक किस्म है, महाराष्ट्र का अल्फांसो आम। अक्टूबर 2018 में किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? वो है RN रावी। कल भी रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उन्हें अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। 19वीं भारत रूस वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया है नई दिल्ली में, जैसे कि पहले बताया था कोई बैठक हो कोई सम्मेलन हो ज़्यादातर नई दिल्ली में ही होते हैं। 5 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस 2018 का विषय क्या था? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको याद ही होगा, वो है शिक्षा का अधिकार एक योग्य शिक्षकों का अधिकार है, शिक्षा से संबंधित है जो दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को स्टीव जॉब्स का निधन हुआ था, उन्होंने दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी कंपनी की स्थापना की थी? स्टीव जॉब्स ने वो की थी एप्पल, जिसके हम आईफोन आईफोन बरतते हैं, एप्पल ब्रांड है, बहुत ही बड़ा है। भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए किस देश के रक्षा मंत्री जिनका नाम नूरलान जरमेकवायेव सैन्य सहयोग और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग बनाने पर सहमत हुए हैं? वो हैं कजाकिस्तान के मंत्री हैं, रक्षा मंत्री नूरलान जरमेकवायेव उनका नाम है, जो सेना सहयोग और रक्षा उत्पादन के लिए उनका सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं, कजाकिस्तान के हैं वो। किस महीने में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अक्टूबर में। किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा? वो किया जाएगा पटना में। भारतीय क्षेत्र का राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वो किया गया है गुवाहाटी में, जो भारत के गुवाहाटी है उसमें। कौन सा भारतीय रेलवे क्षेत्र मानव रहित लेवल क्रॉसिंग मुक्त क्षेत्र बन गया है? वह दक्षिणी रेलवे। संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है? वह जिनेवा में, ये तो आपको पता ही होगा। संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण सम्मेलन में किसको भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? वो किया गया है पंकज शर्मा को, भारत का राजदूत। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कौन सा चुनाव नहीं किया जाता है? जो हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग है उनके द्वारा कौन सा चुनाव है जो नहीं किया जाता? वो है पंचायत का। नवंबर और दिसंबर 2018 के दौरान किस राज्य में चुनाव नहीं होगा?
यानी कि नेक्स्ट मंथ है जो, उसमें वो होगा उड़ीसा में। पेनेसता ओपन नेशनल टेनिस चैंपियनशिप 2018 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जीता है सिद्धार्थ विश्वकर्मा ने। समुद्र के अंदर कौन सा देश 110 फीट लंबा दुनिया का सबसे बड़ा रेस्तरा बना रहा है, जहां पर एक साथ 100 लोग बैठ सकेंगे? वो देश है नॉर्वे। सो फ्रेंड, ये आज की जीके एंड करंट अफेयर थी, जिसमें हमने जो ज़्यादा क्वेश्चन है जो कवर अप किए हैं, जो हम 10 या 15 क्वेश्चन कवर अप करते हैं, उसका कारण यही होता है कि वीडियो लॉन्ग ना बने, इसलिए हम वीडियो को 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन के पार्ट में प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आज ज़्यादा लॉन्ग किया है, क्योंकि आपने कमेंट में ही किया था कि वीडियो को लॉन्ग किया जाए और ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप की जाए। धन्यवाद।